हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज हम लोग का चौथा दिन स्टार्ट होने वाला है। आज हम लोग सोच रहे हैं कि पहाड़ों में शायद चढ़ पाए। तो कल तो हम लोग रात को पटनी टॉप में आ गए थे और ये है रूम अपना जो कल लिए थे, आशियाना यही है। और भी सब सामान बिखरा हुआ है, हम लोग रेडी हो रहे हैं, फटाफट रेडी हो जाते हैं। अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं, थोड़ा लेट में आए तो बोल के लेट तक लेटे रहे, वही है। रितेश बाथरूम गया हुआ होगा तो अभी उसका भी सामान पैक करना है, मेरा भी थोड़ा बहुत है। उसका बाइक में मिलता है ना आप लोगों से, और बाहर जाके फिर क्या कुछ खा भी लेते, पराठे वराठे खाते हैं। और क्या क्या खाओगे आप? हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। क्या खाओगे? पराठे मिलते हैं? हाँ तो वही सब खा लेंगे जो भी हो। तो चलो मिलते हैं ना बाइक के गोप्रो में, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ओके बधाई दोस्तों। तो चलो होटल से चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। नाम था आर के रीजेंसी, अच्छा आर के रीजेंसी होटल का नाम था। और निकलते ही पहले भी दारू का भट्टी, यार भूख लगा हुआ है, ये लोग दारू पहले ही दिखा दिया। तो ये था आर के रीजेंसी होटल, बकवास होटल है यार, टू स्टार नाम से ही है। अरेंजमेंट अच्छा नहीं है, गंदा रूम दिया था, कभी मत आना, कोई महंगा भी है। मेक माई ट्रिप में 2300 रुपये का पड़ा एक दिन का। आने दो रितेश को फिर निकल। चलो हम लोग का सफ़र आज का स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, और हम लोग अभी जा रहे हैं टूवर्ड्स श्रीनगर। तो हम लोग पहले जीटी रोड की तरफ चढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ ले जाते हैं गूगल जी हम लोगों को। बहुत गर्मी है यार, बाइक चला के शांति मिल रही है, ठंडी हवाएं, पसीना हो जाता है ना, उसके बाद ठंडी हवाएं आती है तो बहुत अच्छी लगती है। वेरी गुड। हम लोग को नेशनल हाईवे 54 पकड़ना है, तो हम लोग को स्ट्रेट आ रहे, बाप रे बाप, तो हम लोग को स्ट्रेट ही जाना है। बाप रे बाप, ये वाला है नेशनल हाईवे 54, और जहाँ कुछ नाश्ता वगैरह मिलता है तो रुक जाएंगे, काफ़ी तेज भूख लगी हुई है तो यहाँ नहीं रुकेंगे, थोड़ा देर चला लें गाड़ी, उसके बाद रुकते हैं। दोस्तों हम लोग आ गए हैं पहले टोल में आज के दिन के, तो स्वागत है पठानकोट के पहले टोल में आप लोगों का। अरे 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 स्पीड ब्रेकर, मेरा बाइक ना कभी कभी मिसिंग कर रही है, पता नहीं क्यों, आइडिया नहीं है। हाँ ये बहुत पतला है यार, साइड से निकल नहीं ठीक है। रितेश चला रहा है लेकिन बढ़िया से, अभी फिलहाल ठीक ठाक चला रहा है, उसके बाद थोड़ी देर बाद पैर दुखेगा उसका। रोड अभी तक ठीक ही है, मेरे ख्याल से कुछ देर बाद हम लोग को पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, मेरे को लग रहा है ऐसा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चलिए देखते हैं आगे जाके। ओहो, करीबन 1950 किलोमीटर चलाने के बाद मेरे को हल्के हल्के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, अब बहुत दूर गोप्रो में नज़र नहीं आएंगे, धुंधले दिखाई दे रहे हैं लेकिन दिखाई तो दे रहे हैं। ओहो क्या मज़ेदार है, चलो कम से कम पहाड़ तो दिखे आज। दिख रही है ना आपको पहाड़ सामने? चलो चौथे दिन में हमको पहाड़ दिखाई दिया। इसी के लिए तो आए हैं।
सिम ले लिए हम लोगों ने जम्मू से, और यहाँ का लोकल नंबर मिल गया है। पूरे लद्दाख रीजन में हम लोग को यहाँ का लोकल नंबर का लुफ्त मिलेगा, मज़ा मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बढ़ रहा है 1:35 टाइम, देखते हैं कहाँ। अभी से करीबन 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर बाद से ही थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा वेदर। अभी तो बहुत गर्मी है, 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फील हो रहा है 44 डिग्री सेल्सियस का। देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं ठंडी वाली जगह में। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। ये हिली एरिया तो स्टार्ट हुआ है यहाँ से। हाय दोस्तों, अभी हम लोग हैं सांबा में। सांबा जस्ट क्रॉस किए हैं और अभी इसके बाद हिल एरिया स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा बहुत पानी वानी पी लिए, उसके बाद तो हिल ही हिल है। देखिए नज़ारे, तो ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये हिल एरिया है। ऊपर ऐसे करके जिगजैग करके पिन बेंड मिलेगा आपको। तो हम लोग भी इसी तरफ से जाएंगे ऊपर की तरफ और एकदम ऊपर जाते हैं, देखते हैं क्या है। थोड़ा बहुत और ठंडी पड़ जाए तो अच्छी है, बहुत गर्मी लग रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नज़ारे, कैसे नज़ारे हैं। Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. A doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do. White Ghoda, aur ye uska bachcha hai kya? जाम है यार उधमपुर के पहले, जखैनी जगह का नाम है। फुल जाम। अब ये रितेश कहाँ रह गया यार, रितेश कपूर। अरे एक बुलेट आ रहा है। यहाँ से निकल चलता हूँ, ऊपर से सही रहेगा। चलो पूरा तो जाम है, दिखा के फायदा नहीं है यार। मैं घोड़ा दिखाने के लिए रुका था, मेरे को घोड़े बहुत पसंद है वाइट रंग के। देखो नज़ारे, देखो एक से एक बढ़ के नज़ारे, पहाड़ों के नज़ारे, क्या सुंदर वादियां हैं। रितेश का फट रहा है, हाथ पैर ऐसे ऐसे कर रहा है। अकड़ जा रहा है उसका हाथ पैर, हॉर्न मार रहा है। आपके
कहीं रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं यार, भूख लगा हुआ है। 5:20 हो गए हैं शाम के, सुबह 11 बजे खाए थे ना। ये देखो नज़ारे, देखो कितने सुंदर है, रोड नए बने हुए, ऐसा रोड नहीं था, मैं 2-3 साल पहले देखा, ये नए बने हैं एकदम रोड, बहुत सुंदर लग रहा है और एकदम सिस्टमेटिक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसा रोड होना चाहिए माउंटेन में। बीआरओ को सैल्यूट ऐसा रोड बनाने के लिए, एकदम हाईवे, एकदम हाईवे जैसा ही है, कहीं टूटा फूटा नहीं है, वेरी गुड। कौन सी जगह? लो भाई उधमपुर की राजमा चावल देख लो, ये देखो यार बहुत स्पाइसी लग रहा है ना, चावल बहुत कम दिया है, और ये प्याज के साथ है चटनी। ओ ये हाफ प्लेट है, अच्छा अच्छा सही है, खा लेते हैं साथ में, क्या है कोरिएंडर लीव्स और मिर्ची। तेज हवा चल रही है, सॉरी राजमा चावल खा के निकल गए हम लोग, अब देखते हैं कि कहाँ तक पहुँच पाए, अभी बज रहा है टाइम 6:16, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, श्रीनगर तो होगा नहीं लगता है, पर सुबह उठना है यार, कल जोजिला टॉप का प्रॉब्लम है। एनी हाउ सुबह उठ के निकल जाना है 5 बजे, 5:30 बजे तक। सीरियसली हमेशा यहाँ पे एक जाम रहता ही है, श्यामा बगर्सी टनल या चुनानी नाशरीन टनल सेम नाम है, 30 से ऊपर जाना अलाउ नहीं है, 30 किलोमीटर पर आवर, कुछ कुछ गाड़ियों को छोड़ता है, एक साथ बहुत सारे गाड़ी नहीं छोड़ा जाता है। तो ये हम लोग का फर्स्ट टनल है, ओवरटेकिंग करना अलाउ नहीं है यहाँ पे, आराम से चलते रहो, यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाया हुआ है, लाइट जला लेता हूँ नहीं तो कुछ दिखाई नहीं देगा। वाव अच्छा लग रहा है देखना, वाव क्या फीलिंग है, एक्सट्रीम फीलिंग, बहुत अच्छा। एक्सीलेंट क्वालिटी, क्या साउंड आ रहा है यार, वाइब्रेट होके मतलब पूरा सराउंडिंग साउंड आ रहा है 3D। ये करीबन 10 किलोमीटर लंबा है, 10 किलोमीटर होगा।
साइड से आपको चिनाब नदी दिखाई दे रही होगी, उसको हम लोग पार करेंगे। चिनाब नदी है शायद, मेरे ख्याल से मैं जितना वीडियो में देखा हूँ चिनाब नदी बोला गया था। जी चिनाब नदी है। यहाँ पे लगता है कि नया पुल बनेगा, ये पुराना पुल हो गया पुल के, थोड़ा चौड़ा भी बनेगा चिनाब नदी के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं चिनाब नदी, ये देखिए दोस्तों, देखो चिनाब नदी बहुत अच्छा लग रहा देखने में, क्या व्यूज है। और हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे रितेश खड़ा है, उसकी बाइक है, साथ में मेरी भी बाइक है। हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुक गए देखने के लिए, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और बहुत सुंदर भी है, आप देख सकते हैं क्या बढ़िया व्यूज़ है, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। You're a superhero. चैनल का नाम नहीं पता अभी नया, अभी तो शायद मेरे ख्याल से इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ होगा, चलो देखते हैं। 30 में स्टार्ट हुआ टनल, देखते हैं कितना किलोमीटर का है। ये बानीहाल वाला टनल है ना मेरे ख्याल से, कमेंट करके बोलना तो ज़रूर। अरे ये तो छोटा टनल है मैं सोचा बहुत बड़ा टनल होगा। यहाँ पे और एक टनल का काम चल रहा है, पता नहीं कौन सा टनल है लेकिन काम तो चल ही रहा है, दिखाता हूँ। ये देखिए हिचकियाँ आ रही है यार, पता नहीं क्या सिम बोलो मोबाइल का, सिम बोलो।